नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कुछ सवाल तैर रहे थे कि क्या जेडीयू बीजेपी का गठबंधन होगा, क्या बीजेपी नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी, आखिरकार कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम, जिसको लेकर धर्म ज्ञान पर विश्वविख्यात देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच साबित होती नजर आ रही है। जी हाँ, 14 अगस्त 2019 में बिहार चुनाव को लेकर देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ कहा था, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आपने कहा कि 2014 में ये लोग दोनों आदमी अलग हो गए और आरजेडी के साथ चले गए, क्योंकि पद तो एक ही था प्रधानमंत्री का, और दोनों पहले से मित्र होने के बावजूद भी एक पद होने के कारण, वो पद लोलुपता के कारण दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन चूंकि उन्होंने देखा ये सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो गलत लोगों का साथ जो है इनको रास नहीं आया, और ग्रह जो है चूंकि कुछ धोखा दे के, कुछ परेशानी दे के ये भी धोखा देंगे, राहु देता भी है धोखा, राहु धोखा कराता भी है, तो ये दोनों में ये काम कराएगा। और ये क्रमशः देखें कि फिर वहीं पे आ गए जहां से 2014 के पहले शुरुआत की थी, तो अभी इनका आगे जो है थोड़ा सा राहु इनको डेविएट कर रहा, लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद ये निश्चित रूप से बीजेपी के साथ ही रहेंगे, देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ रहेंगे और देश और बिहार की शोभा बढ़ाएंगे। और ये निश्चित रूप से चूँकि ये फिर पुनः अपने पद को पदस्थापित होंगे और मुख्यमंत्री की शोभा ये फिर बढ़ाएंगे। यानी कि आपको ये कहना है जो कि अब 2020 में चुनाव होंगे तो बीजेपी के साथ मिलकर ही जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, ये कहीं और नहीं जा रहे हैं, कुंडली ये बता रही है। क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी की जो कुंडली है और नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है और इनकी राशि जो है और अमित शाह की राशि जो है, ये सब जो है एक दूसरे के मित्र है। नरेंद्र मोदी और इनकी राशि दोनों एक राशि है, तो दोनों एक ही हैं, दोनों की विचारधाराएँ एक हैं। देश में बहुत सारे नेता हैं लेकिन ये दोनों नेताओं का जवाब नहीं है, ये दोनों नेताओं पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है, इसलिए ये बीजेपी के साथ बेहतर करेंगे। अमित शाह की भी जो राशि है, नाम से ही हमने देखे तो मेष राशि है, तो ये तीनों की जो जुगलबंदी है ये काफी बेहतर है, और बीजेपी के साथ इन लोगों का जो संबंध है, जदयू और बीजेपी का संबंध काफी बेहतर रहेगा, और इसमें ये बेहतर से बेहतर करेंगे। इसलिए राहु के दोष को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, राहु ने इनको बहुत परेशान किया, बहुत परेशानी हुई, अपना ही चीज दे के लेने में काफी दिक्कत हुआ, तो संयमित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, यह निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। तो देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी की इस भविष्यवाणी पर उस वक्त मुहर लग गई जब टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कह डाला था कि गठबंधन अटल है और बीजेपी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और वहीं बिहार एनडीए का चेहरा होंगे। अमित शाह के इस बयान से एक बात तो साफ है कि भले ही गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी नेता नीतीश कुमार पर सवाल उठाएं, जेडीयू नेता बीजेपी पर छींटा कसी करे, लेकिन बिहार के चुनावी दंगल में जब जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर विपक्ष को चुनौती देगी तो कमान सुशासन बाबू नीतीश कुमार के हाथों में ही होगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। साथियों, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, भक्त प्रहलाद, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे मनीषियों की धरती है, वीरों की धरती है। महाराष्ट्र ने देश को दिशा देने वाला नेतृत्व दिया है और ये काम अभी से नहीं बल्कि सदियों से ये हमारा महाराष्ट्र निरंतर करता आ रहा है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को लेकर यहां से हर बार आवाज बुलंद हुई है।
लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के इन्हीं संस्कारों को हर मौके पर, हर मंच पर, हर कदम पर ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने इनको स्पष्ट संदेश दिया है, लेकिन ये आपकी भावनाओं को समझने के लिए भी तैयार नहीं है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में नामदारों की मनमानी से नहीं, कामदारों की इच्छा शक्ति से काम होगा। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में लटकाने भटकाने वाली कार्य संस्कृति नहीं, तय समय पर विकास के काम पूरे करने वाली संस्कृति आज लोगों को मंजूर है, लोग इसी को मानते हैं। साथियों, ये देश की भावनाएं नहीं समझ रहे, लेकिन देश इन्हें भी देख रहा है और समझ भी रहा है, और मौका आते ही हिसाब भी साफ कर देता है। हम सभी इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम राष्ट्रहित और राष्ट्र रक्षा के मुद्दों पर हम सभी देशवासियों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का एक ही सुर होना चाहिए, दुनिया को एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए, एक ही स्वर सुनाई देना चाहिए। लेकिन हर बात में राजनीति की रोटियां सेकने की आदत वाले ये नेता देश हित की, राष्ट्र हित की इतनी सीधी सरल बात को भी मानने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान मैंने सुना, अखबार में पढ़ने को भी मिला कि कांग्रेस पार्टी में अब नई ट्रेनिंग शुरू हो रही है। कहते हैं कि अब कांग्रेस के संगठन में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी रोना के हंसना को समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि आज की कांग्रेस आजादी के दीवानों वाली, देशभक्तों वाली कांग्रेस नहीं है। परिवारवाद के बोझ के नीचे कांग्रेस का राष्ट्रवाद दब चुका है, परिवार भक्ति में ही कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति नजर आती है। और यही वजह है कि कांग्रेस आज लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दुनिया भर में जितने करप्शन के प्रकार हैं, सारे करप्शन के ही संस्कार आज वहां बचे हैं। राष्ट्रवाद की भावना कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण
ये लोगों को याद कीजिए आप, सर्जिकल स्ट्राइक के समय इन लोगों ने क्या बातें कही थी, कौन सी भाषा बोली थी, क्या कोई, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे, क्या कभी कोई देशभक्त सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करेगा क्या, करेगा क्या, कर सकता है क्या, वीरों का अपमान कर सकता है क्या, हमारी सेना का अपमान कर सकता है क्या।